इस समय क्यों नवरात्रि मनाना, इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है। यह पूरी की पूरी प्रकृति गर्मी के बाद से अब ठंड की तरफ बढ़ रही है, यानी अब दिन गर्म नहीं, अब ठंड के दिन आने वाले हैं। तो गर्मी के बाद ठंडी बढ़ रही है बाहर, तो उसी तरीके से हमारे अंदर भी गर्मी के बाद ठंडी के तरफ हमारा शरीर बढ़ेगा। तो गर्मी से ठंडी के बीच में नवरात्रि का ये पर्व मनाया जाता है। लेकिन जब चैती नवरात्रा मनाएंगे तो ठंड खत्म हो जाती है, और जब गर्मी के तरफ मौसम बढ़ने लगता है तो जहां पे संगम होता है ठंडी और गर्मी का, ठीक वहीं पे नवरात्रि मनाया जाता है। इसलिए क्योंकि माँ को पता है, माँ आदिशक्ति को, कि मेरे बच्चे कोमल हैं, माँ भगवती को पता है मेरे बच्चे कोमल हैं, तो माँ ने क्या किया, ऐसे नियम बना दिए कि कम से कम इस बहाने 9 दिन जब ये पूजा व्रत उपवास करेंगे, शुद्ध खाना खाएंगे, फलाहार भोजन करेंगे, पवित्र भोजन करेंगे, दूध से बनी हुई चीजें या दूध का सेवन करेंगे, सात्विक जीवन को जिएंगे, व्रत उपवास करेंगे, तो शरीर के ऊपर होने वाले मौसम के प्रभाव का कोई बुरा असर इनके शरीर पे नहीं होगा, इसलिए 9 दिनों का ये व्रत रख दिया जाता है ताकि मौसम का बुरा असर ना हो जाए। आपने देखा होगा बहुत सारी माताओं के कमर में दर्द शुरू हो गया था, किसी के पैर में दर्द होने लगा था, ये मौसम का परिवर्तन है। तो नवरात्र उसी संगम में मनाया जाता है। अब जो गहरी बात है कि नवरात्र में वो 9 क्या है, नवरात्र क्या है, नवरात्र सिर्फ बाहर की उपासना या पूजा के लिए नहीं है, हमारे स्वयं के अंदर की उपासना और पूजा के लिए नवरात्र मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि हम 9 द्वार वाले घर में रहते हैं, हम सभी 9 द्वार वाले घर में रहते हैं। हम एक ऐसे घर में रहते हैं जिसमें 9 दरवाजे लगे हुए हैं, हम सभी उसी घर में रहते हैं। वो 9 दरवाजे कहाँ हैं, कभी सोचा होगा, देखते तो सभी हैं लेकिन ध्यान नहीं दिया। 9 दरवाजे 2 आंखें हैं, इन 2 आंखों से हम चीजों को बाहर की तरफ देखते हैं, अंदर से हमारी आत्मा झांकती है और दुनिया को देखती है इन 2 दरवाजों से। वो 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, वो चौथे दरवाजे हैं। 2 आंखें 2 दरवाजे हैं और 2 कान 4 दरवाजे हो गए। 2 नासिका है, नाक के छिद्र 2 हैं, यानी 6 दरवाजे हो गए। मुख जिससे हम भोजन करते हैं, जिससे हम खाना खाते हैं, वो 7वां दरवाजा है, जो हमारे मल और मूत्र त्याग करने के जो केंद्र हैं, वो हमारे 8वें और 9वें दरवाजे हैं। ये 9 दरवाजे वाले शरीर में हम सभी रहते हैं। इन 9 दरवाजों के शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा के कल्याण की बात हो और जीवन का उत्थान हो, इसलिए ये नवरात्र मनाया जाता है। इस 9 दिन के पर्व में आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि 9 दरवाजे वाले घर का कल्याण हो, कौन रहता है 9 दरवाजे वाले घर में, आप रहते हो, आपकी आत्मा रहती है, आपकी आत्मा का ये हाथ है आगे बाहर, पैर हैं बाहर, सर है बाहर, आंखें हैं बाहर, लेकिन आत्मा तो अंदर है, 9 दरवाजों के अंदर आत्मा रहती है। तो जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा का फूल खिलेगा कब, जब अपने पूरे सामर्थ्य पे आत्मा पहुंच जाएगी तो फूल खिल जाता है। इसलिए कहा जाता है परमात्मा, परमात्मा यानी भगवान। हम सोचते हैं परमात्मा कहीं दूर है, नहीं, जब हमारी आत्मा का फूल खिल जाए, परम स्थिति में पहुंच जाए, उसी को परमात्मा का पद कहते हैं, परमात्मा की स्थिति कहते हैं। जैसे गुलाब के पौधे को आपने देखा होगा, गुलाब का पौधे को देखकर, आप पत्तियों को देखकर, कांटों को देखकर ये कहेंगे कि ये गुलाब का पौधा है, लेकिन सिर्फ पौधे को देखकर आप ये नहीं कहेंगे कि पूर्ण गुलाब ये है।
गुलाब का पौधा पूर्णता को तब प्राप्त होता है जब उसमें से गुलाब का फूल भी खिल जाए, वो खुशबू भी बिखरने लगे, तब गुलाब को संपूर्णता के साथ कहा जाता है ये पूर्ण गुलाब है। यानी जब तक पौधा है और पौधे के अंदर से वो संपूर्ण सौंदर्य वाला फूल नहीं खिला, तब तक गुलाब पूर्ण नहीं हुआ। यानी जीवन की पूरी संभावनाएं जब पूरे चरम शीर्ष पे पहुंच जाए, खिल जाए फूल, तब जाकर गुलाब की पूर्णता को स्वीकार किया जाता है। वैसे ही हमारे जीवन की आत्मा, हमारी स्वयं की आत्मा अपने पूरे सौंदर्य पे आ जाए, पूरे सामर्थ्य के साथ खिल जाए, तो जिस दिन हमारी आत्मा अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है, उस दिन परमात्मा कहीं और नहीं, हमारे ही अंदर से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। हमारे ही अंदर से परमात्मा प्रकट होते हैं, इसलिए बुद्ध के अंदर से परमात्मा प्रकट हो रहे हैं, महावीर जैन के अंदर से परमात्मा प्रकट हो रहे हैं, भगवान श्री राम के अंदर से परमात्मा प्रकट हो रहे हैं और श्री कृष्ण के अंदर से परमात्मा प्रकट हो रहे हैं। कहीं दूर नहीं है वो, हमारे ही अंदर की पूर्ण संभावनाएं। तो अपनी पूर्ण संभावना, आत्मा का मतलब क्या? बीज रूप। आत्मा का मतलब है बीज है। बीज उस वक्त तक अधूरा है जब तक कि बीज अपनी पूर्णता को न प्राप्त कर ले। अगर हम हाथ में पीपल का बीज रख लें तो क्या, अगर आप कहोगे कि पीपल का वृक्ष मेरे पास है, तो कोई मानेगा कि पीपल का वृक्ष आपके पास है? नहीं मानेगा, क्योंकि जबकि सच्चाई है कि पीपल का बीज तो आपके पास है, लेकिन कहने वाले लोग कहेंगे, सुनो तुम्हारे पास तो बीज है ना, वृक्ष कहाँ है? वृक्ष का मतलब क्या? वृक्ष का मतलब संभावनाएं। बीज है, इसमें से वो वृक्ष निकलेगा, लेकिन निकला नहीं है, यानी कि पूर्ण नहीं हुआ है। तो आत्मा का मतलब क्या? हम बीज रूप में हैं। अगर हम इस आत्मा को लिए हुए जीवन को जी लें, सुख दुख को भोग लें, खाना पीना खाएं, शादी ब्याह करें, सब कुछ करें और अंत में आत्मा के साथ ही गुजर जाते हैं, तो परमात्मा से कभी मुलाकात नहीं होगी। परमात्मा से मुलाकात के लिए तो आत्मा की पूरी संभावनाओं को प्रकट करना पड़ेगा। जिस दिन आत्मा अपने पूरे संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ खिल जाएगी, उस दिन ईश्वर सामने ही मिलेंगे, कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, ईश्वर सामने ही मिलेंगे। तो इस 9 दिन के प्रक्रिया में हम अपनी आत्मा को पूर्णता के तरफ बढ़ाने के लिए कुछ तो कदम बढ़ाएं। अपने 9 द्वार वाले घर में रहने के लिए कुछ तो कदम बढ़ाएं, कुछ तो उस दिशा में आगे की तरफ बढ़ें। उस स्थिति में चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कम से कम 9 दिनों के लिए आप एक व्रत करें। आप उपवास करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी भी कारण से आप उपवास नहीं कर पाते हैं, चिंता मत करें, एक दूसरे किस्म का उपवास कर लें 9 दिनों के लिए। ये उपवास अद्भुत होगा, आपके जीवन का कल्याण कर डालेगा। इन 9 दिनों में सिर्फ एक व्रत करें। जो हमारे 9 दरवाजे हैं, उन दरवाजों को हम शुद्ध कर दें, उन दरवाजों को शुद्ध कर दें। शुद्ध कैसे करेंगे? 2 आंखें हैं हमारी, 9 दिनों के लिए व्रत लेते हैं कि 9 दिन इन आंखों से हम कोई भी ऐसी चीज नहीं देखेंगे जिससे कि हमारे जीवन में विकार उत्पन्न हो। यानी इन आंखों से हम गंदगी ग्रहण नहीं करेंगे, जबकि इन आंखों से हम भगवान की मूरत को भी देख सकते हैं, कल्याण के कार्यों को भी देख सकते हैं और पतन के मार्ग पे भी चलकर उस दिशा में भी दृष्टि को डाल सकते हैं। तो इन दोनों आंखों को शुद्ध करने के लिए हम एक व्रत लेंगे कि कम से कम 9 दिनों के लिए हम ऐसी कोई भी चीज नहीं देखेंगे जिससे कि हमारे जीवन का कहीं पतन हो। आंखों को शुद्ध करने की कोशिश करेंगे, आंखों को शुद्ध करने की कोशिश करेंगे। अब बच गए 2 कान हमारे। इन 2 कानों से कम 9 दिनों के लिए ये व्रत है कि 9 दिनों के लिए हम कोई ऐसी बात सुनेंगे नहीं जिससे कि हमारा या किसी दूसरे की हानि होती हो।
स्वयं का पतन होता हो या किसी और का पतन होता हो, यानी 9 दिनों के लिए हम इन कानों का इस्तेमाल किसी की शिकायत सुनने के लिए नहीं करेंगे। हम किसी की शिकायत नहीं सुनेंगे, हम किसी की शिकायत सुनने में आनंद नहीं लेंगे, हम कोई भी बुरी चीज नहीं सुनेंगे, हम कोई भी नकारात्मक बात नहीं सुनेंगे, हम किसी के हानि की बात नहीं सुनेंगे। यानी जहां कहीं भी अशुभ चर्चा हो रही होगी वहां पे हम अपने आप को दूर कर लेंगे, अपने आप को हम दूर कर लेंगे अगर कहीं अशुभ चर्चा हो रही होगी। यानी कान से 9 दिनों के लिए अब जो भी बातें जाएंगी शुभ की ही बातें जाएंगी, कल्याण की ही बातें जाएंगी इन कानों से। आंखों से वही देखेंगे जो कल्याण के दृश्य, जो परम कल्याण के दृश्य। इन नासिका से, इन नाकों से सांसें वही लेंगे जहां कल्याण हो, जहां शुभ हो। जैसे घर में शुद्ध वातावरण बनाकर रखेंगे, जब आप धूप अगरबत्ती जलाते हैं तो पवित्र खुशबू आती है, उन पवित्र खुशबू को ग्रहण करने के लिए अपने घर के वातावरण को शुद्ध रखेंगे। यानी नाकों से हमेशा सुगंध को ही स्वीकार करने की कोशिश करेंगे इस 9 दिनों में। इस मुख से जो 7वां दरवाजा है, इस मुख से हम वैसी कोई चीज ग्रहण नहीं करेंगे जिससे कि हमारे शरीर में कोई हानि पहुंचे, यानी कोई बीमारी आए, हमारे अंदर के बैठे हुए शैतान रूपी बीमारी को कोई पोषण मिले, ऐसी कोई चीज ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा कोई भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। इसलिए मना किया जाता है कि नवरात्रि में मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, नवरात्रि के दिनों में तामसिक भोजन, बासी भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए ताकि इस मुख से हम कोई ऐसी गंदी चीज ग्रहण न करें इस शरीर से, ताकि हमारा घर दूषित हो जाए, जो 9 दरवाजों वाला घर है। उसी तरीके से अब हमारे 8वें और 9वें जो द्वार हैं, यानी मल मूत्र त्याग करने के जो द्वार हमारे हैं, उससे हम अपने शरीर के सभी विकारों को, सभी गंदगी को हम साफ कर देंगे। शरीर के अंदर अगर कोई कब्ज की शिकायत हो रही है, बवासीर की बीमारी है, टीबी की, डायबिटीज की, किसी तरह की बीमारी है, शरीर के अंदर 90% बीमारियों के होने का कारण सिर्फ एक होता है, वो हमारे शरीर के अंदर की गंदगी। आपको पता है ना गैस की समस्या क्यों होती है? जिस इंसान के पेट की सफाई ठीक से नहीं हो रही है उसको गैस की समस्या बनी रहेगी, उसके सर में दर्द होगा, उसके कमर में दर्द होगा, उसके एड़ी में जलन होगी, उसको बवासीर की शिकायत हो जाएगी, उसको गठिये का दर्द होना शुरू हो जाएगा, उसको लकवा मार सकता है, उसके बाल जल्दी सफेद हो सकते हैं, उसके चेहरे पे झुर्रियां आ सकती हैं, उसके चेहरे पे झाइयां आ सकती हैं, उसके जीवन का सुख शांति खत्म हो सकता है अगर पेट के अंदर गंदगी हो तो। तो 9 दिनों के लिए हम अपने शरीर को शुद्ध रखेंगे और 9 दिनों में अपने शरीर को पूरी तरीके से शुद्ध कर देंगे। अंदर के जितने मल हैं, विकार है, गंदगी है, सबको बाहर निकाल देंगे। यानी शैतान जिस मल के कारण से हमारे शरीर में बीमारी पैदा करता है, हम उस मल को बाहर निकाल कर अपने आप को, अपने तन को निर्मल कर लेंगे। और तन जब निर्मल होगा तो मन तो स्वतः निर्मल हो ही जाएगा। तन निर्मल अगर करेंगे तभी मन शुद्ध होता है। कई बार ये बात उठती है कि मन में बुरा मत सोचो, मन में बुरा मत सोचो। इंसान जो अंदर से मल से भरा हुआ है, गंदगी से भरा है, जिसका तन अंदर से गंदा है, उसका मन कभी शुद्ध नहीं हो सकता, किसी भी हालत में, चाहे वो कितनी भी पूजा पाठ कर ले। इसलिए कई बार बहुत लोगों को आपने देखा होगा, बहुत पूजा करते हैं, सुबह दोपहर शाम भगवान की पूजा करते रहते हैं, सभी व्रत उपवास करते हैं, लेकिन जब वो किसी अपने पड़ोसी के बारे में, अपने घर के किसी सदस्य के बारे में जब बोलते हैं तो ऐसे आग उगलते हैं, लगता है जैसा कितना नफरत भरा हुआ है इनके अंदर।
वो पूजा फिजूल है, वो बेकार है पूजा, उस पूजा करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर मन शुद्ध नहीं हो पाया, मन निर्मल नहीं हो पाया, तो उस पूजा से कोई कल्याण नहीं होने वाला है। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान के उस शब्द को समझा नहीं और भगवान के मिलने के नियम को नहीं समझा। भगवान कौन है? भगवान परम शुद्ध है, परम सात्विक है, परम कल्याणकारी है। भगवान वो नहीं है, भगवान वो दूध नहीं है जिसमें नींबू के भी कुछ बूंद पड़े हुए हैं, वो दूध भगवान नहीं है। भगवान शुद्ध दूध है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं पूजा के माध्यम से, पूजा तो कर लेते हैं, पूजा किया तो क्या मिला? पूजा करेंगे, जैसे ये भगवान की कथा चल रही है, इस कथा में जो आएंगे उनको पुण्य मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन पूजा करेंगे तो मिलेगा क्या? दूध कमा लेंगे, शुद्ध दूध कमा लेंगे आप। वो दूध पुण्य का है, वो श्वेत है, वो निर्मल है, वो स्वच्छ है, भगवान को पसंद है, क्योंकि शिव जी को तो दूध चढ़ाते हैं, तो शिव को पसंद है वो दूध। लेकिन कथा तो सुन लेते हैं और जब यहां से घर की तरफ जाते हैं, रास्ते में चलते हैं, तो किसी को देख के शिकायत करते हैं, गालियां देते हैं, किसी के लिए मन में पूरे विचार करते हैं, तो हम क्या करते हैं? कथा सुनकर जो दूध कमाया ना, उस दूध में नफरत के थोड़े से नींबू के कुछ बूंद डाल देते हैं, फिर दूध का क्या होगा? फिर दूध का क्या होगा? दूध रहेगा? 5 लीटर दूध के लिए भी 2 बूंद नींबू के काफी हैं। जीवन में याद रखना हमेशा, पुण्य कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पाप के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठाए पाप मिल जाता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंदिर आना पड़ता है, सुबह में उठना पड़ता है, स्नान ध्यान करना पड़ता है, अच्छे साफ वस्त्र पहनने पड़ते हैं, तब भगवान के पास कुछ फूल लेकर आना पड़ता है, तब माता रानी प्रसन्न होती है। लेकिन शैतान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना? घर में ही शुरू कर दो कला, तुम्हारे घर में वहीं पे बिन बुलाए शैतान चलाएगा। और कुछ देर के बाद शैतान तो प्यासा है खून का, शैतान तो प्यासा है शिकायत का, शैतान तो प्यासा है नफरत का, बस शुरू कर दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे शैतान चलाएगा। याद रखना, घर के बाथरूम में कई बार आप लोग देखते होंगे कि काई लग जाती है, लगती है। आप लोग के बाथरूम तो बड़े साफ सुथरे रहते होंगे, लेकिन फिर भी जहां पानी बार बार गिरता है वहां पर काई लग जाती है। क्या कभी किसी को आपने देखा है काई लगाते हुए? किसी को देखा है काई लगाते हुए आज तक? बाथरूम में काई लगाने वाले को किसी को देखा नहीं होगा आपने, लेकिन फिर भी पैर स्लिप करते हैं, पैर गिरते हैं और लोग गिरते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं। मगर काई को साफ करना पड़ता है, काई लगाना नहीं पड़ता है, काई स्वतः लग जाती है, लेकिन गंदगी की सफाई करनी पड़ती है। जीवन में शुभ कार्य करना पड़ता है और पाप तो स्वतः कुकुर मुत्ते की तरह जन्म ले लेता है इस समाज में। याद रखो, पहाड़ की ऊंची चोटी पे जब चढ़ना होगा ना, तो रेंग के पेड़ों को, झाड़ियों को पकड़कर, बहुत पसीना बहाकर धीरे धीरे चोटी पे चढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत समय लग सकता है, कई दिन लग सकते हैं। लेकिन अगर पहाड़ से गिरना है तो क्या करना पड़ेगा? हाथ छोड़ दो, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, शरीर को छोड़ दो, लुढ़कते हुए नीचे गिर जाओगे। खाई में गिरने के लिए, पतंग के गर्त में गिरने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जीवन में उत्थान करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सुबह में पानी पीने की आदत डालें, 9 दिनों में ही आपके शरीर की सारी गंदगी ऐसे साफ होगी कि आपको गैस की समस्या से लेके कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी। कैंसर की बीमारी अगर किसी को हो रही है तो कैंसर कोई बीमारी नहीं है, कैंसर शरीर की अंदर की बहुत लंबे समय तक रहने वाली गंदगी, बस वही कैंसर है। तो कल से सभी लोग अपने आप को शुद्ध करने के लिए सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए पानी पीना शुरू कर देंगे। लेकिन जिनकी उम्र 15 वर्ष से ऊपर की है, सभी बहनें, माताएं, सभी लोग, छोटे बच्चे हैं तो 15 वाले नीचे के हैं तो उनको 1 ग्लास 1.5 ग्लास 2 ग्लास पिलाएंगे उम्र के हिसाब से, 1.25 लीटर उनको नहीं पीना है, जब उनकी 15 वर्ष की उम्र हो जाएगी तब करना। तो इस तरीके से हम अपने 9 दरवाजों को शुद्ध करना शुरू कर देंगे।
अब इन 9 दरवाजों को जो शुद्ध करेगा उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। और इंद्रियां कौन सी शुद्ध होती हैं? ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां दोनों शुद्ध हो जाती हैं। ज्ञान इंद्रियां यानी मन जो बातें सोचता है, जिन बातों को सोचकर योजना बनाता है, अगर किसी के मन में किसी के तन में शुद्धता है तो उसकी इंद्रियां शुद्ध होंगी, मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो कर्म भी शुद्ध होगा, विचार भी शुद्ध होंगे। यानी कि ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां दोनों शुद्ध हो जाती हैं जब हम अब अंदर के 9 दरवाजों को शुद्ध करते हैं। तभी तो रामायण काल जो था उस काल में भगवान श्री राम का और भगवान श्री राम के जो कहते हैं शत्रु या मां भगवती का अपहरण करने वाले रावण के बीच में जो महासंग्राम हुआ था, उस युद्ध में हमने सबने तो सुना है कि रावण पराजित हो गया था और राम जी जीत गए थे। आखिर कारण क्या है? कौन है राम और राम कहां से आते हैं? राम वो हैं जो दशरथ की संतान है, राम वो है जो दशरथ की संतान है और रावण वो है जो दशानंद है। दोनों में 10 जुड़े हुए हैं, दोनों के साथ 10 जुड़े हुए हैं। दशानंद का मतलब क्या? जिसके शरीर में गंदगी होगी, जिसके शरीर में मल भरा होगा, जिसका मन निर्मल नहीं होगा, उसके ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां भी गलत सोचेंगी, गलत करेंगी। रावण वो है जो निर्मल नहीं है। रावण का भाई जो निर्मल था विभीषण, उसने रावण का साथ छोड़ दिया, राम जी के साथ चला गया, क्योंकि राम जी भी निर्मल। लेकिन जब अंदर गंदगी रहती है हमारे शरीर के, यानी कि 9 दरवाजों के घर में रहने वाली आत्मा के शरीर में जब गंदगी रहती है तो गंदे विचार उठते हैं। तो गंदे विचार उठते हैं तो वो क्या करेगा? वो स्त्रियों का अपहरण करेगा, वो अपने भाइयों के साथ लड़ाई करेगा, वो अपनी पत्नी की भी बात नहीं मानेगा, वो अपनी प्रजा की हत्या करवा देगा, अपने बेटों को भी मरवा देगा, वो अपने सोने की लंका में आग लगा डालेगा, वो सब कुछ तो वही करेगा। ये हमारी अंदर की गंदगी है जो हमारे जीवन में गंदगी फैला देती है और जीवन का नाश कर देती है। लेकिन उस गंदगी में भी बड़ा आनंद है, पतन में, वासना में भी कितना आनंद है। इसलिए दशानंद जो दश के आनंद में है, पंच कर्मेंद्रियां और पांच ज्ञानेंद्रियों के आनंद में, भोग विलासिता में जो डूबा हुआ है, उस रावण को दशानंद बोला गया। यानी दश के आनंद में जो रहता है वो दशानंद है। लेकिन राम कौन है? दशरथ जी के बेटे हैं, यानी दश को जिसने रथ बनाकर जो सवार हो जाता है वो दशरथ। यानी दश की गुलामी नहीं कर रहा है रावण, है उन अपने इंद्रियों की गुलामी करता है, उसके भोग में डूबा हुआ है। लेकिन दशरथ जी वो हैं जो रथ की तरह बनाकर उसके ऊपर सवारी कर रहे हैं, यानी मालिक है। रावण का मालिक इंद्रियां हैं और दशरथ जी मालिक हैं इंद्रियों के, ये फर्क है। रावण के घर में कौन पैदा होगा? मेघनाथ पैदा होगा और दशरथ जी के घर में राम पैदा होंगे। मेघनाथ कौन है? मेघनाथ वो है जो मेघों का नाथ है, बादलों का नाथ है। बादल यानी कौन? बादल का मतलब जो सूरज की रोशनी को रोक देता है, जो चांद की चांदनी को रोक देता है, जो खुले आकाश अंबर को देखने नहीं देता है, जिसके मन में धुंध है, अंधकार है, वो बादल है, वही है मेघनाथ। लेकिन जब राम कौन है? राम वो है जो सबके अंदर रमा हुआ है। कहां है राम? आज राम कहां है? हम सबके हृदय में जो रमे हैं वो राम है। अगर आपसे पूछा जाए कि राम कहां है तो आप क्या कहोगे? दिल में राम है, मेरे मन में राम है, मेरे तन में राम है। तो सबके अंदर जो बसा है वही राम है, वही रमा है। वो सबरी में भी रमा है, वो अहिल्या में भी रमा हुआ है, वो सब में, वो सीता मैया में भी रमा है, सब में रमा हुआ है, कण कण में रमा हुआ है राम। जब कोई दशरथ जैसा बनता है तो उनके घर में राम पैदा होते हैं, लेकिन दूसरी संतान भी पैदा होती है जो लक्ष्मण है।
जब कोई इंद्रियों का मालिक बनता है तो उसके घर में जो दूसरी संतान पैदा होती है वो लक्ष्मण, लक्ष्मण यानी जिसका मन हमेशा अपने लक्ष्य पे लगा रहे वही लक्ष्मण है। और वो लक्ष्मण कौन है? शेषनाग का अवतार है। शेषनाग कौन? शेषनाग जिसने धरती को धारण कर रखा है। धरती को धारण करने वाला शेषनाग है, धरती का को सहारा देने वाला शेषनाग है। अब धरती को सहारा देने वाला जब शेषनाग है तो शेषनाग किसके सहयोग में है? शेषनाग के एक तरफ राम की सेवा उसको मिल रही है और दूसरे तरफ भगवती सीता है। सीता यानी धरती पुत्री, धरती को धारण करने वाला यानी सीता मैया को धारण करने वाला सहयोगी बन जाता है वो। दूसरी संतान भरत पैदा हो रहे हैं। भरत कौन है? जो सबका भरण पोषण करने वाला है वो भरत है। किसके घर में सबका भरण पोषण करने वाला किसके घर में पैदा होगा? जो दशरथ जैसा बनेगा उसके घर में भरत पैदा होगा। और उसके घर में जो चौथी संतान पैदा होती है वो शत्रुघ्न पैदा होता है, यानी जो शत्रुओं का दमन करने वाला है। शत्रु कौन? इस दुनिया के बाहर के शत्रु नहीं, जो अपने अंदर के भी विकार रूपी शत्रु है उसका दमन करने वाला है वो शत्रुघ्न है। और वो शत्रुघ्न भी पैदा होता है दशरथ जी के घर में। अब राम जी जब आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि वो संतान दशरथ के जब आगे की तरफ चलते हैं तो उनके सहयोग में आते हैं हनुमान जी महाराज। बोलिए, हनुमान जी महाराज की। कौन? पुत्र हनुमान की। हनुमान जी महाराज उनके सहयोग में आते हैं। ये हनुमान जी महाराज कौन है? पवन पुत्र है। हनुमान जी कौन है? पवन पुत्र है। और पवन पुत्र का मतलब क्या? अब देखिए, राम जी के साथ कौन है? राम जी के साथ शेषनाग का अवतार लिए हुए लक्ष्मण जी हैं, यानी धरती को धारण करने वाले लक्ष्मण हैं। राम जी के साथ सीता मैया है, यानी साक्षात धरती पुत्री है, यानी धरती की बेटी, यानी धरती ही साक्षात साथ में है। और राम जी जब सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो उनसे बाद में आकर मिल जाते हैं पवन पुत्र। और पवन पुत्र कौन है? पवन देव के पुत्र हैं, यानी पवन ही साक्षात चले आए हैं उनके साथ में। और श्री राम कौन है? श्री राम स्वयं सूर्य के वंशज हैं, यानी कि सूर्य लोक वाले हैं, सूर्य वंशी हैं, यानी अग्नि के देवता हैं श्री राम। अब जरा देखिए राम कैसे विजयी हो जाते हैं। राम जब शुद्धता के तरफ बढ़ते हैं, अग्नि जब शुद्धता के तरफ बढ़ती है तो कल्याण कर देती है। अग्नि तो रावण के अंदर थी, लेकिन अग्नि जब विनाश की तरफ बढ़ती है तो नाश कर डालती है। आपके घर में आपका छोटा बच्चा है, माचिस की डिबिया हाथ में है बच्चे के, वो जाएगा बच्चा तो मंदिर के दीपक को जलाकर मंदिर में रोशनी फैला सकता है, अगरबत्ती जलाकर खुशबू फैला सकता है। लेकिन वही बच्चा अगर पड़ोसी की किसी झोपड़ी में जाकर आग लगा दे तो नाश कर सकता है। अग्नि का क्या दोष है? अग्नि तो एक ही है, अग्नि कल्याण कर रही है और एक दूसरी अग्नि है जो नाश कर रही है। तो श्री राम के अंदर भी अग्नि है, कल्याण वाली अग्नि है, रावण के अंदर भी अग्नि है, नाश करने वाली अग्नि है। लेकिन श्री राम की अग्नि जब कल्याण के पथ पर है तो सीता मैया यानी धरती सहयोगी बन जाती है सेवक की तरह। पवन सहयोगी बन जाते हैं हनुमान जी महाराज की तरह। शेषनाग सहयोगी बन जाते हैं, श्री राम के साथ में चले आते हैं। श्री राम के सहयोग में नल नील चले आते हैं, जो जल के विज्ञान के पारंगत हैं, जो जल को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, यानी साक्षात जल देवता चले आते हैं नल नील के रूप में। जब राम जैसा शुद्ध विचार लेकर कोई चलेगा ना तो पूरी की पूरी प्रकृति उसके सहयोग में चली आती है। पूरी की पूरी प्रकृति, धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, सब के सब चले आते हैं। लेकिन जब रावण जैसा तपस्वी ज्ञानी ब्राह्मण अगर पतन के राह पे चलेगा तो उसकी अर्धांगिनी भी उसका साथ छोड़ देगी।
मंदोदरी प्रार्थना करती थी भगवान शिव से, पूजा करती थी और बार बार यही कहती थी, हे शिव शंभु मेरे पति को सद्बुद्धि दो, मेरे पति को सद्बुद्धि दो, सीता को मुक्त कर दो। ये बार बार वो प्रार्थना करती थी। लेकिन भगवान श्री राम की अर्धांगनी है सीता मैया, वो क्या प्रार्थना कर रही है, मेरे राम को विजयी बनाओ। धरती है, धरती माता चाहती है कि मेरे राम विजयी हो जाए। श्री राम की पत्नी भी प्रार्थना श्री राम के लिए कर रही है, लेकिन रावण की पत्नी मंदोदरी भी प्रार्थना श्री राम के लिए ही कर रही है, जब वो भगवान से ये मांगती है कि सीता को मुक्त करा दो, यानी भगवान श्री राम के ही मकसद को तो पूरा कर रही है। आपके जीवन का कल्याण उस वक्त हो जाता है जिस समय आपके घर वाले तो आपके लिए प्रार्थना करें ही, साथ में दुश्मन भी जिस दिन आपके लिए प्रार्थना करें उस दिन आपके जीवन का जरूर कल्याण हो जाता है। ये माँ की जो नवरात्रे हैं, इस नवरात्रे में जब श्री राम उस दशा नंद को पराजित करने निकलते हैं, तो दशा नंद को पराजित तभी करते हैं जब दशरथ जी जैसे पिता के रथ पे सवार होते हैं, यानी जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है वही राम बन सकता है। और इंद्रजीत है दूसरे तरफ में रावण के साथ, लेकिन अफसोस की बात है इंद्रियों को जीत चुका है इंद्रजीत, लेकिन उसके बाद रह किसके साथ रहा है, दशानंद के साथ में। यानी अच्छे लोग भी बुरे हो जाते हैं अगर बुराई के साथ रहते हैं, तो उसका भी पतन उसका भी नाश हो जाता है। इसलिए जीवन में याद रखें, आप दोस्त बनाएं दोस्ती करें, लेकिन कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करें जो गलत राह पे चल रहे हों, क्योंकि उससे उनका पतन तो होगा साथ में आपका भी पतन हो जाएगा। बोली माँ दिशक्ति माँ भवानी की, माँ जगदम्बा माँ परम्बा की। तो इस नवरात्रे में हम भी अपने इन नौ द्वारों को शुद्ध करते हुए, इंद्रियों को के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों को जीतते हुए हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। और नौ दिन का व्रत अगर हम शुद्धता की तरफ लेकर चले तो दसवां दिन दशहरा तो हो ही जाएगा, यानी हम भी अपने इंद्रियों को जीत कर दशहरा मनाएंगे। फिर हम दस को हरा देंगे हम, तो दस से अभी तक तो हारते आए हैं। इस नवरात्रे में, इस शुभ घड़ी में माँ के आशीर्वाद से हम दस को विजयी करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सभी अपने उस वासना को, लोभ को, मोह को, क्रोध को, ईर्ष्या को, द्वेष को, नफरत को, सबको अगर हराना चाहते हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अंदर से शुद्धता लाना शुरू कर दें, स्वतः आपके अंदर से सारे विकार छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि जब विकारों को यानी शैतानों को जब खुराक नहीं मिलता तो स्वतः साथ छोड़कर चले जाते हैं।